मंकी यहाँ पे क्या खा रहा है, मंकी को क्या मिला है? वहाँ छोटा बंदर केता मंकी आ गए दी, हाँ झूला झूल रहा है ऊपर, और उस मंकी को देखिए वहाँ पे। अंदर चलो, हेलो करो ना, हेलो करो ना, हेलो करो ना, हम करबे कनी करो ना, हेलो कनी कर दही ना, हेलो लाइक करे कहो ना, लाइक करे, लाइक करे, लाइक करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू रिंकू अनिल व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे धूप निकला हुआ है और बहुत अच्छे से धूप लग रहा है यहाँ पे, तो आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं, ठीक है? मंकी बोल रहा है, मंकी कहाँ है भाई, इसमें दिख रहा है या नहीं? हाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंकी है वहाँ पे। चलो चलो, तो बहुत सारा है, वहाँ आ रहा है। वो पेड़ पे चढ़ गया और सन भी है अंदर, और यहाँ देखिए मतलब हम जहाँ पे आए हैं वो जंगल का एरिया है, तो हम रह गए क्वार्टर जैसा, मतलब रहने के लिए यहाँ देते हैं तो उसी में है। मौसा जी यहाँ काम करते हैं और सानवी के पापा मुझे देने नहीं आए, उन्हें कुछ काम था वहाँ पे, तो वो मुझे लेने आएंगे। और बच्चा लोग बाइक चला रहा है, बाइक वहाँ फिर से आया मंकी, नहीं कौन वहाँ छोटा बंदर जंगल का एरिया है, तो बहुत सारा बंदर निकल रहा है, और जान भी आई वहाँ पे मंकी को देखने के लिए। बंदर हो देर, हो केता मंकी आ गई, हो दे झूला झूल रहा है ऊपर, और उस मंकी को देखिए वहाँ पे वाल पे, उस साइड जाने के लिए कोशिश कर रहा है वाल। और वहाँ पे है दो, यहाँ पे तीन चार है, सब पेड़ पे चढ़ गया। कथी करे था, कथी खाई था, ना ना जल्दी देखिए दोस्तों, मंकी आ रहा है फिर से। चलो सान भी, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो काट लेगा तुम्हें, भागो भागो। उदय उदय, छोटा मंकी आया, छोटा मंकी। और उधर देखिए उस घर के ऊपर भी दो मंकी बैठा हुआ है। फिर से धूप चला गया दोस्तों, बहुत अच्छा धूप निकला था, धूप तो निकलेगा फिर से आएगा, अभी थोड़ा कम है। तो दोस्तों मौसी खाना बना रही है रूम में, और मैं यहाँ बच्चों के साथ खेल रही हूँ। और उधर देखिए सोहन आ रहा है, बैठ के स्टंट कर रहा है, वो सुबह सुबह, वो देखिए स्टंट मैन, क्या कर रहे हो भाई, खेलते हैं बच्चों के साथ। हाँ
रुक नए उतार जो हीरो नहीं बन उतार 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 हीरो नहीं बन हीरो चल निकल निकल चल निकल निकल रणबी बॉल खेल रही है आंटी बोल दो उतर उतर तो चलिए दोस्तों खाना लगता है बन चुका है हम भी चलते हैं खाने के लिए सानवी मंकी को बाय बाय कर रही है मंकी यहाँ पे क्या खा रहा है मंकी को क्या मिला है और वो गया एक ज्यादा मत हिलाओ मोबाइल को दोस्तों सानवी खाना खा रही है क्या खा रही हो मछली और एक मछली इसका हो गया खत्म और ये दूसरा तो आज खाने में बना है दाल सब्जी पनीर और रात का जो मछली था वो तो मुझे तो मछली नहीं खाना है तो मैं दाल चावल और सब्जी खाऊंगी तो पहले सानवी को खिला दूँ उसके बाद मैं खाऊंगी तो दोस्तों हम मिलते हैं थोड़ी देर में और मम्मी नानी मेरे नाना सब आ रहे हैं आज तो आज सबसे मिलवाएंगे आपको तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों सब लोग यहाँ पे गन्ना खा रहे हैं इधर देखो सानवी भी खा रही है और मैं बैठ के देख रही हूँ मुझे नहीं खाना है इसीलिए बंटू को हो जाएगा जुकाम तो मैं नहीं खा रही हूँ और सानवी को देखिए कैसे खा रही है सानवी दिखा और बाबू को देखिए बहुत छोटा लिया इसने जो चॉकलेट तो दोस्तों मासी गई हुई है सानवी को नहीं बंटू को इंजेक्शन कब लगने वाला है वही पूछने के लिए और हम यहाँ घर पे हैं अकेले अकेले मतलब बड़ा कोई नहीं है घर में और मैं हूँ बच्चा लोग के साथ सब खेल रहा है फुटबॉल तू खोल बो जाओ खेलो तो दोस्तों जाओ ना खेलो ना ना एक रो खे ना खेलो मैं छिया उड़े है गार्डा ए दीप जॉन ना वाड़े कैसे ना खेला दे जाओ खेलूंगा तो हाँ दोस्तों हम लोगों का चौ चौ पार्टी चल रहा है बाय बाय चौ बच्चा लोग वहाँ पे खा रहे सब और मैं यहाँ पे और सोहन वहाँ पे कढ़ाई धो रहा है भात घुटने के लिए फ्राइड राइस बनाएगा वो और ये चाव चाव पकाया किसने पता है आदित्य ने और बहुत टेस्टी बना है मतलब ऐसा सूप वाला बनाया इसने और अभी तक नानी और नाना सब नहीं आए हैं कोई भी नहीं आया अभी और मौसी तो गई है बंटू का इंजेक्शन लगेगा नहीं वही पूछने के लिए तो मौसी जी भी नहीं आई हुई है तो दोस्तों हम मिलते हैं थोड़ी देर में और आप सब भी आइए हमारे साथ खाने के लिए और ज्वाइन कीजिए हमें तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा और यहाँ पे धूप निकला है और मतलब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ धूप निकला है और सानवी के पापा जहाँ है कलिया में वहाँ जरा सा भी धूप नहीं निकला है दोस्तों वो बोल रहे थे कि थोड़ा भी धूप नहीं निकला है यहाँ पे और यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया ही बहुत अच्छा धूप यहाँ पर लाइट आ रहा है धूप का तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में तो दोस्तों सब लोग फाइनली आ चुके हैं और
मम्मी भी आ चुकी है और मम्मी लेके आई है मटर का साग, बहुत सारा सामान लेके आई है। और मैं खा रही थी लाई लड्डू, जो मतलब कल खाना चाहिए, तिल का लड्डू तो मतलब कल खाते हैं। और मैं खाई अभी भुजा और चूड़ा का लड्डू। और हम मिलवाते हैं आपको नाना से। नाना हेलो करो, तो हेलो करो ना, हेलो करो ना, नहीं हम करबे कनी करो ना, हेलो कनी कर दही ना, हेलो लाइक करे कहो ना, लाइक करे, लाइक करे, लाइक करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को नाना जी ने बोल दिया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलवाते हैं आपको नानी से। तो मेरी नानी कहाँ गई? यहाँ पर झाड़ू लगा रही है। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको नानी से। तो भैया कहीं छोड़ ना। तो ये रही मेरी नानी, सुबह से वेट कर रहे थे आप, मतलब आपसे मिलवाने के लिए। तो अभी अभी आए हैं सब, और अब हम चलते हैं खाना बनाने। मैं नहीं बनाऊंगी, मतलब खाना बनेगा तो हम दिखाएंगे आपको। और दोस्तों नानी हेलो करता, हेलो है ना, कि हेलो करना, हेलो। तो यहाँ पर आग लगाने के लिए, हाँ हम यहाँ आग जलाने जा रहे हैं। रुक गए हुआ। तो दोस्तों सान भी अभी अभी उठी है सो के, हेलो बोल बेटी, बहुत गुस्से में अभी ये, अभी ना ताने लाला अभी ना खाएंगे बेटा। तो दोस्तों चलिए, हमने तो आपको सबसे मिलवा दिया, और अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, और मुझे सबसे बहुत सारी बातें करनी है, तो हम चलते हैं। दोस्तों हम लोग क्या खा रहे हैं, मतलब दांत दुखाता है जिसका, मतलब दांत दुखता है, मोदक का दवाई बनता है ना घर में, दवाई होम मेड, तो वही दवाई नानी बना के लेके आई है। और दो ठो दवाई है, इन कथी कथी धर ले छी नानी, छोहरा किशमिश काजू सब रेसिपी चाहिए, तो दूध मिश्री दूध में वो मतलब जितना ड्राई फ्रूट हो रहा है वो सब मतलब काट के धर ले छी, काटे मतलब उसके उसको काट के मतलब छोटा छोटा पीस बना के, और दूध में एकदम मतलब ऐसे से भून के, एकदम घी में भून के, और उसे दवाई बनाती है। तो मतलब हमारे यहाँ बोलता है कि मतलब हाँ जिसका डांट दुखता है तो वो मतलब देह में फायदा करते यार, डांट नहीं दुखे थे यारो, फायदा हो चुके पूछता ही। तो मतलब जिसका मतलब डिलीवरी हुआ रहता है ना मतलब जल्दी में, और मतलब दांत तो ऐसे ही दुखता रहता है, तो उसी के लिए हमारे यहाँ मतलब ये दवाई बनता है होममेड दवाई, वो बहुत फायदा करता है। और एक और दवाई है तो हम बताएंगे आपको बाद में, अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों तो आइए हम आपको दिखाते हैं मटर का साग का रेसिपी। तो हमने यहाँ पे मटर का साग मतलब बना लिया है, और धो के फ्रेश करके अच्छे से रख लिया है। और ये आलू, बॉयल आलू, 5-6 बॉयल आलू को हमने छील के अच्छे से फ्राई कर लिया है तेल में, हल्का नून हल्दी डाल के थोड़ा सा। और हम यहाँ भून रहे हैं मसाला, हल्का सरसों है थोड़ा सा, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, मतलब थोड़ा सा प्याज। तो दोस्तों हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और अब देखिए इसमें नमक जाएगा, जो मतलब सब्जी में मसाला जाता है वो हम इसमें डालेंगे, नमक, हल्दी और सूखी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, थोड़ा मीट मसाला, जितना सब्जी में मसाला जाता है वो सब डालेंगे। हल्दी हो डिब्बा में हो हुआ हुआ में। हाँ तो हमने इसमें नमक डाल दिया था, इसमें डाल गए हल्दी, तो मम्मी बना रही है, और हमारा उधर चावल बन चुका है, तो नमक हल्दी चला गया।
इससे हम भून लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर इसके बाद डालेंगे हम क्या बोलते हैं, हाँ मटर का थोड़ी भर दिया, सूखी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर। तो पहले नून हल्दी मतलब डाल के हम इसे अच्छे से भून लें, नमक और हल्दी डाल के, और मसाला पहले भून जाए उसके बाद हम सूखी लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर। तो मैंने जैसा बताया आपको किचन में जितना मतलब सब्जी में लगता है जितना मसाला वो सब इसमें हम डालेंगे। और दाल हमारा बन चुका है, दाल चावल और ये मटर का साग वही बनाएंगे आज हम। तो दोस्तों अब इसमें डालते हैं ऊपर से साग, मसाला भून चुका है, अंदर मसाला है साग के नीचे, तो हम इसे ढक देंगे है ना, झाँप भी है। तो दोस्तों मसाला अंदर है, हम इसे थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये गल जाए और मसाले के साथ ये भी थोड़ा भून जाए, इसीलिए हम इसे ढक देते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो देखिए कितना साग हर गल के कैसा हो चुका है, और हम इसे चला देते हैं। तो थोड़ा और ये गल जाए अच्छे से, भून जाए मसाला के साथ में, तो उसके बाद हम लगाएंगे इसमें पानी, पहले आलू के साथ भी भूनेंगे। तो देखते जाइए आप सब, और इसका सब्जी मुझे बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद है। तो पहले ये अच्छे से भून जाए, फिर हम आगे दिखाएंगे आपको। दोस्तों यहाँ पे बन रहा है ऑमलेट, तो सब खाने के लिए बैठ रहे हैं। पहले ऑमलेट तैयार हो जाए उसके बाद सब खाने के लिए बैठेंगे, हम नहीं बच्चा नहीं खाएगा, आज संडे है, संडे को हम कुछ नहीं खाते मंदिर। हाय दोस्तों, दोस्तों हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, हमारा खाना पीना सब हो चुका है और बंटू का तेल मालिश भी हो चुका है, हम लोग सो रहे हैं, तो सब लोग सो चुका है, मम्मी बंटू को लेके बैठी है और नानी मौसी सब सो चुके हैं, हम भी जा रहे हैं सोने, बंटू भी अब सो चुका है। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम कल, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, तो बाय बाय।